सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना योद्धा भी ज्यादा संख्या में वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सीधी बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई जवान अब तक शहीद भी हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए कुछ एनजीओ बेहतर काम करने के लिए आगे आए हैं। उसी कड़ी में नाथ फाउंडेशन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को फेस मास्क शील्ड दान की है, ताकि इन शील्डों को पहनकर दिल्ली पुलिस के जवान संक्रमण की चपेट से कुछ हद तक खुद को बचा सकें। नाथ फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली पुलिस को 1200 फेस मास्क शील्ड दी गई है। फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो पुलिस वाले लगातार जब से ये कोरोना का संकट शुरू हुआ है उसका मुकाबला कर रहे और उसमें हमारे लिए फेस शील्ड का इन्होंने प्रबंध किया है, जो कि हमें कोविड से बचाने में काफी समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फेस मास्क और उसके साथ फेस शील्ड भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोविड का जो वायरस है आंखों के जरिए भी शरीर में प्रवेश करता है, तो मास्क से हमारे नाक और मुंह की रक्षा होती है, पर जो फेस शील्ड है वो आंखों को बचाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय निकाला और हमारे पुलिसकर्मी जो कि इस महामारी के दौरान महामारी और समाज के बीच एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं और लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका ख्याल रखते हुए यहां आए और उन लोगों के लिए फेस शील्ड जिसकी 1200 की संख्या है और ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और शाहदरा इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।